इंटरप्रेटर बनी है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। इसके इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इसके अपनी मदर, अपनी मामी, अपना मामू सब डेफ है, तो इसने ये साइन लैंग्वेज छोटे बच्ची होकर सीखी। और टीवी में जहाँ पे भी प्रोग्राम होता है तो हमारी एक ही सितार है, वो है अरवा। तो अल्लाह ताला इनको ज़्यादा ज़्यादा तरक्की दे। हाँ, और हम इसको जेबापा में एज टीचर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो और हमारे इज्जत मेहमान जो हमारे हैं, एक पेरेंट भी है ये नीलोफर हबीब रहमान, और ये इस मतलब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, वॉलीबॉल के साथ मतलब मुंसलिक है, एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है, और एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर कुपवारा से लेके यहाँ तक कुलगाम तक सभी जगहों पे मशहूर है। खासकर हमारे इज्जत मेहमान रियाज अहमद जो हमारे स्पोर्ट्स के रहबर खेल हैं, रियाज अहमद जो हिस्ट्री के टीचर हैं यहाँ पे, मोहतरम नज़ीर अहमद जो हमेशा हमारे साथ पेश रहते हैं, हमने दो चार प्रोग्राम किए तो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे पेश रहे। आप सबको मेरी तरफ से सलाम और दुआ कि आप जल्द आप सेहतियाब रहे और फले फूले और आपको डिसेबिलिटी और डिफिकल्टी से दूर रखे। बेसिकली जब इंसान खुद की डिसेबिलिटी देखता है तो दूसरे की डिसेबिलिटी काफ़ी एक थोड़ा सा एहसास होता है। जब मैं खुद डिसेबल हुआ, जब 1997 में मैं इस व्हीलचेयर पे आया, तो मुझे एक एहसास हो गया कि बाकी डिसेबल लोगों की क्या हालत हुई होती है। और मुझे बचपन से मतलब उसी टाइम से ये शौक़ हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम सिर्फ 20 या 21 साल का था, मुझे शौक़ हुआ कि जिस तरह मैंने ये परेशानी झेली है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ना झेले वो, बल्कि पढ़े मैंने पहले ट्यूशन दिया, फ्री ट्यूशन दिए मैंने गरीब बच्चों को, लेकिन मैंने एक भी डिसेबल बच्चों को आते नहीं देखा। लेकिन कुछ बच्चों को हमने अपने ही गांव इर्द गिर्द 5-6 गांव में यहां पे आइडेंटिफाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज ग्रेजुएशन का मुकाम हासिल किया। वो ब्लाइंड थी बच्चियाँ, वो बड़े मेडल्स हमारे लिए, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, जिनको हमने क्लास 1 से पढ़ाया। और इन्हीं डेफ बच्चियों में से बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने 12th पास किया, जो ड्रॉप आउट थे, दहलगाम से थे, अनंतनाग से थे, बेरी नाग से थे, वो ड्रॉप आउट थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ये स्टाफ मेरा है और जो स्टाफ स्कूल में है, इनकी बदौलत ये सब कुछ हुआ। आइडिया मेरा था लेकिन इन्होंने उसको अमलाया, और इनको भी अल्लाह ताला इसमें जजाए खैर दे, ये मेरी दुआ है। रहा सवाल इन बच्चों का, इन बच्चों के लिए मैं यही बोलता हूँ कि हमने एक नज़र ये रखा है कि हम तब तक दम में दम रखेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये इंशाल्लाह हाई लेवल एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे। और हर किसी मैदान में, जो भी चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हो, जहाँ पे इनके टैलेंट को उभारने की ज़रूरत होगी, हम पेश रहेंगे। और जेबापा और ह्यूमैनिटी वेलफेयर हेल्पलाइन ने ये वादा किया है कि हम इनके साथ रहेंगे और इनको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये अपनी लाइफ के उस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे, उस कगार तक नहीं, जहाँ ये अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह का ताला का और जिस तरीके से आपका सपोर्ट यहाँ पे मिला, नसरीना मैडम हमेशा हमें एक सपोर्ट देती है, और हमेशा हमने इनको बोला, उन्होंने बोला कि आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास स्पोर्ट सामान नहीं था, इन्होंने दे दिया, हमने उसका सही इस्तेमाल किया। और हम इंशाल्लाह चाहेंगे इस हायर सेकेंडरी के साथ